इस मीटिंग में जितने भी लोग आए हुए होंगे या जितने भी लोग एक माइंडसेट लेकर आए हुए होंगे, तो आप एक छोटी सी बात को समझने की कोशिश करिएगा। जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो आप ये सोच कर जाते हो कि हाँ मेरी प्रॉब्लम्स का इलाज होगा, यस। जब आप किसी सत्संग में जाते हो, जब आप किसी कथा पंडाल में जाते हो, तो आप एक माइंडसेट लेकर जाते हो कि यस आज मुझे भगवान से जुड़ने का मौका मिलेगा। जब आप कहीं पर घूमने जाते हो तो आप एक अलग माइंडसेट के साथ जाते हो कि यस आज मुझे घूमने जाना है या मुझे कुछ बेहतर करना है, आप अपना दिमाग फ्री करके जाते हो। उसी प्रकार से आज आप 40 से 45 जो भी मिनट यहाँ पर देने वाले हो, उन मिनटों को आप उंगलियों में मत गिनिएगा, बस इस हिसाब से बैठिएगा, इस हिसाब से विंडो में बैठिएगा कि आपका एक बेहतरीन माइंडसेट होने वाला है और आपको एक बेहतरीन कैरियर अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपको वो नहीं देगी कि आप ये सोचते हो कि देख लेते हैं, आप एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ बैठिए। 45 मिनट आप अगर उस काम को छोड़ देते हैं जो काम आप कर रहे हैं अभी, तो मुझे लगता है कि आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। सो दोस्तों, नाम अमित श्रीवास्तव। ड्यू सॉफ्ट की जर्नी की अगर मैं बात करूं तो आज से लगभग 9 साल हो गए मुझे ड्यू सॉफ्ट में, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत मजेदार तरीके से। और शुरुआत से मेरा एक माइंडसेट था जो आज की मीटिंग का टॉपिक है, नेवर गिव अप। करेंगे तो करेंगे, या तो स्टार्ट नहीं करेंगे, और अगर स्टार्ट किया है तो फिर जीवन में कभी छोड़ेंगे नहीं। और उसी माइंडसेट के साथ मैंने काम चालू किया दोस्त। 1994 का मेरा बर्थ है। बड़ी अद्भुत बात हुई है, जब मैं पैदा हुआ तब मेरे घर में एक अनहोनी हो गई, और जब मेरे घर में अनहोनी हुई तो बोला जाता है कि काल पैदा हुआ है, शुभ नहीं होता है। लेकिन मुझे दुनिया की बातों को गलत साबित करना था कि मैं शुभ हूं और मैं सही तरीके से पैदा हुआ हूं। दोस्तों, एक ऐसे परिवार से बिलोंग करने वाला बंदा दोस्तों, जहां पर प्रॉब्लम्स की भरमार थी, पैसों की तंगी थी, फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे, और उस टाइम पर पैदा होना, जहां पर कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाना, जहां पर कुछ ऐसी कंडीशन आ जाना जहां पर मुझे भी नहीं पता कि मेरी लाइफ का डायरेक्शन कहां पर जाएगा। यस, मैं ये बात इसलिए समझा रहा हूँ कि आज विंडो में जितने भी लोग आए होंगे, तो जब आपको किसी ने इनवाइट किया होगा या आपको किसी ने बताया होगा, तो आपको ये बात लगती होगी कि सर ऐसा हो सकता है कि पहले से एक सेटलमेंट लाइफ होगी, सर हो सकता है कि इनके पीछे कोई बड़ा बैकग्राउंड होगा, सर मेरे पास किसी भी प्रकार का कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, कोई बैकग्राउंड नहीं था, जो किया अपने दम पर किया, अपने इष्ट देवता पर किया, अपने परिवार के सपोर्ट से किया, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे पास कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड हो या कोई बहुत बड़ा साम्राज्य हो मेरे पास, ऐसा कुछ भी नहीं था। पैसों की तंगी से जिंदगी कट रही थी, समझ में आ रहा था, बट एक जबलपुर जैसी सिटी में रहने के कारण मैंने देखा था कि लोग महंगे कपड़े भी पहनते हैं, महंगी गाड़ियां चलती हैं, बड़े घर होते हैं। एक अच्छी सिटी में रहने के कारण जिंदगी भर एक ड्रीम हुआ जा रहा था, और शौक तो दोस्तों मेरे अंदर कूट कूट के भरे है। शौक बोला जाता है ना कि शौक, बहुत सारे शौक थे लाइफ में, लेकिन पैसा ना होने के कारण आए दिन का शोक था, क्योंकि पैसे नहीं थे ना। शौक बहुत बड़े बड़े थे कि घर लेना है, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन पैसे ना हो जाने के कारण आए दिन का शोक था। दोस्तों बोला जाता है कि जब ऊपर वाला कोई एक चीज छीनता है तो उसके बदले में आपको कोई दूसरी चीज देने की ताकत रखता है, और वो दूसरी चीज थी दोस्त मेरा दिमाग। ऊपर वाले ने बहुत ही अच्छा माइंडसेट दिया, पढ़ने लिखने में बहुत ही शार्प था, बहुत शार्प नहीं बोलूंगा, लेकिन यस हम जहां से खड़े होते हैं लाइन हमारे पीछे से चालू होती थी, इतना शार्प था मैं। मतलब मुझे वो दिन याद है जब मेरे क्लास में मुझे पढ़ाया गया, मुझे क्लास में उठाया गया कि इंग्लिश पढ़ते किससे आती है, बात कर रहा हूं मैं 2008 की, 2009 की, जब मैंने अपना हाथ उठाया था और मैंने बोला था कि यस मैं पढ़ूंगा। उस टाइम इंग्लिश पढ़ना या उस टाइम हमारी क्लास में किसी और का इंग्लिश ना पढ़ पाना मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, पढ़ने में बहुत तेज था, दिमाग बहुत अच्छा था, 10th कंप्लीट किया, 12th कंप्लीट किया, जब आगे बढ़ा तो स्पेशली मेरी माता जी को मेरी क्लास टीचर ने बुलाया और मेरी क्लास टीचर ने बोला कि आपका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा, इसे आगे पढ़ाया जाए, और वहां से मेरी मम्मी हो गई मोटिवेट। करेक्शन, मोटिवेट नॉट अ समझदार, समझना अलग होता है, मोटिवेट होना अलग होता है। मेरी मम्मी मोटिवेट होंगे कि यस पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब और हमारी जिंदगी की नैया लगाएगा पार, कुछ ऐसा मेरे घर वालों ने सोच लिया कि पढ़ाना है। मैंने बोला मम्मी मैं करना चाहता हूँ, बोलते हाँ जो करना कर मैं हूँ तेरे साथ। और फाइनली मैंने बीबीए में एडमिशन लिया RIMT कॉलेज जबलपुर में,
फर्स्ट सेम फर्स्ट ईयर जैसे तैसे कंप्लीट किया, 18,000 रुपये मेरी साल की फीस हुआ करती थी। जब नेक्स्ट ईयर मैंने वहां पर जाने की अपनी माताजी से चर्चा की कि मम्मी मुझे एडमिशन का 18,000 रुपये देना है, मेरी मम्मी ने 2 दिन टाला, आज देते हैं कल देते हैं, आज देते हैं कल देते हैं, आज देते हैं कल देते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता था, मैंने आपको बोला ना कि मेरा परिवार मोटिवेट होकर मुझे पढ़ा रहा था। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी और फाइनली तीसरे चौथे दिन मुझे फरमान जारी होता है कि बेटा फाइनेंस का तो जुगाड़ नहीं हो पाएगा। यस, आज आप जिस व्यक्ति को सुनने आए हो, आपको कोई भी यहाँ पर लेकर आया होगा, आपको लगता होगा कि एक अलग लेवल की बात है। नहीं सर, मैं भी आप ही में से हूँ। जहां पर पैसे की दिक्कत होती है, जहां पर घूमने जाते हैं तो पहले वॉलेट चेक किया जाता है, जहां पर आप कोई चीज लेने जाते हो तो पहले फोन पे की बैलेंस इंक्वायरी की जाती है कि आपके पास पैसा है कि नहीं है। जब आप कपड़े लेने जाते हो तो कपड़े वाला आपसे पूछता है कि रेंज क्या है, तो आप बोलते हो कम से कम का दिखाना। मैं भी उसी रेंज का आदमी था, मैं भी उसी रेंज का व्यक्ति था। और दोस्तों फाइनली मेरी एजुकेशन को मुझे ड्रॉप करना पड़ा, फाइनेंशियल कंडीशन के कारण मैं एजुकेशन को कंप्लीट नहीं कर पाया। अब जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना था, क्योंकि याद रखना मेरे दोस्त, बोला जाता है कि ऊपर वाले ने दिए हैं हमें बहुत सारे झटके, ऊपर वाले ने, क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ हूँ झटके ही खा रहा था। ऊपर वाले ने दिए हैं हमें बहुत सारे झटके, इसलिए शायद आज मेरा अंदाज बाकी लोगों से है थोड़ा सा हटके, दोस्तों थोड़ा सा हटके, क्योंकि एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस था मेरी लाइफ में। एजुकेशन कंप्लीट ना हो पाना, फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ जाना, बहुत सारी प्रॉब्लमों के कारण आगे बढ़ रहा था। मैंने पहली बार जिंदगी में अपना कदम बाहर निकाला कि यस आई कैन, मैं कुछ करना चाहता हूँ। एक अनएजुकेटेड बंदे की बात कर लूँ या एक ऐसे व्यक्ति की बात कर लूँ जिसके पास अभी मार्केट का 0% एक्सपीरियंस, उसको क्या मिलेगा? मुझे मिला पेपर बांटने का काम। यस, जब आप चाय पीते होगे तो आप अपने घर से पेपर उठाते होगे और देखते होगे, यस दैनिक भास्कर, मैं वो पेपर बांटने वाला काम किया करता है। मेरी जिंदगी की पहली कमाई चालू की थी दोस्तों 350 रुपये महीना, मतलब 11-12 रुपए दिन, आप कैलकुलेशन मारेंगे। मेरी जिंदगी की पहली कमाई थी 350 रुपये महीना। पेपर वाटा करता था, सुबह 5-6 बजे उठा करता था, 6:30-7 बजे तक पेपर वाटा करता था, और उस 350 रुपये के लिए अपने मालिक के सामने बार बार हाथ फैलाने पड़ते थे कि सर 350 रुपये, सर सैलरी आज देता हूँ कल देता हूँ, आज देता हूँ कल देता हूँ। और उसमें से भी अगर 1 या 2 दिन नींद ना खुल पाए, 1 या 2 दिन ठंड लग जाए, 1 या 2 दिन बारिश हो जाए, तो उसमें से भी मेरा पैसा काटा जाता था। ये चीजें मेरे अंदर क्या कर रही थी, ये चीजें मेरे अंदर एक जिद भर रही थी कि पैसा कमाना है। और जिस दिन मेरे हाथ में पहली बार 350 रुपये आए, मुझे ये बात समझ में आ गई कि पैसा कमाया जा सकता है। अगर जिद है जीतने की तो पैसा भी कमाया जा सकता है और सब कुछ किया जा सकता है। और फाइनली उस लगभग 6 महीने बाद मेरा प्रमोशन होता है। प्रमोशन का मतलब आप लोगों के हिसाब से ऐसा लगता है कि डायरेक्ट कांस्टेबल से डीएसपी बन गया, ऐसा कुछ नहीं। मेरा प्रमोशन होता है, मैं 350 रुपये से 700 रुपये कमाने लगा। मैंने टिफिन बांटने का काम किया, 20 टिफिन साइकिल से टिफिन बांटा करता था, 20 टिफिन राइट में और 20 टिफिन लेफ्ट में। साइकिल से जा रहे हैं, जिंदगी चल रही है और जिंदगी में गाना गाए जा रहे हैं, ये जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बस इसी के साथ, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ता रहा। जीवन में मैंने सब कुछ किया, स्ट्रगल किया, मेहनत करी, शायद रोया भी होऊंगा, शायद पैसे के कारण कई बार बैक स्टेप भी लिए होंगे कि ये चीज मैं अचीव नहीं कर सकता, ये चीज मैं नहीं खरीद सकता। बस एक चीज मैंने जीवन में कभी नहीं की सर, जिसको बोला जाता है गिव अप। मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने कभी ये बात नहीं सोची। ये समझ लो कि मेरे खून में इनबिल्ट आई थी ये चीज कि मैंने कभी गिव अप नहीं किया कि मैं नहीं कर सकता। और फाइनली आगे बढ़े, एक बहुत प्यारा मेरा मित्र था, उसने मेरे को बताया, यार बोलने बताने में तू बहुत बढ़िया है, कोई अच्छा सा काम कर। मैंने बोला यार अच्छा सा काम करना चाहता हूँ, लेकिन मिले भी तो। बोलता मेरे ऑफिस के सामने एक इंटरव्यू चल रहा है, वहां पर चला जा, मुझे लगता है, और मुझे लगता है कि तेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तेरी कम्युनिकेशन के हिसाब से तुझे वो चीज अचीव हो जाएगी। और फाइनली मैं गया, जब मैंने अपना इंटरव्यू दिया तो फाइनली आई एम सिलेक्टेड। उस दिन मुझे ये चीज क्लियर हुआ, आज मैं इसको ड्यू सॉफ्ट से कनेक्ट करना चाहूंगा। आज की डेट में लोग मार्केट में नौकरी ढूंढने जाते हैं डिग्री और डिप्लोमा के दम पर, लेकिन आई हैव अ नो डिग्री, आई हैव अ नो डिप्लोमा। मैंने जिंदगी से जो सीखा है वो ठोकरे खाकर सीखा है सर। और मुझे लगता है कि आज के डेट में जितना एक डिग्री डिप्लोमा वाला कमाता है, मैं उससे 10 टाइम ज्यादा कमा कर बैठा हूँ।
प्राउड टू बी आईडी सॉफ्टवेयर की हम सॉफ्ट स्किल्स का बिजनेस करते हैं, हम लोगों को बोलना सिखाते हैं। और फाइनली दोस्त मेरा इंटरव्यू हुआ और मेरा सिलेक्शन हो गया। 350 रुपए पहली इनकम, दूसरी इनकम 700 रुपए और तीसरी इनकम 6,200 रुपए। प्राउड। 7-9 बजे सुबह उठा करता था, 9 बजे ऑफिस की रिपोर्टिंग हुआ करती थी, शाम को 7 बजे आया करता था। जिंदगी बड़ी मजे में कट रही थी क्योंकि प्रमोशन हो गया था भाई। आप में से कोई भी बंदा, जिस व्यक्ति के हाथ में कभी 10 रुपए ना आया हो, उस व्यक्ति के हाथ में अगर 1,000 रुपए आया तो उसको तो ऐसा लगता है कि भाई मेरी 10 साल से शादी नहीं हो रही थी और एकदम से किसी लड़की ने मेरे को कॉल कर दिया कि बस बारात लेके आ जाओ। मेरे अंदर वो बात आ चुकी थी कि यस मैं कर सकता हूँ। और फाइनली, लेकिन दोस्त बोला जाता है ना कि जिंदगी कहीं से भी कुछ भी नया मोड़ ले सकती है अगर आप में मुड़ने की ताकत है तो। और मेरी जिंदगी से एक बड़ा प्यारा शब्द जुड़ा हुआ है जिसे बोला जाता है मौका परस्त। मैं मौका परस्त आदमी हूँ सर, मुझे मौका मिल जाए मैं दुनिया में वो हर चीज कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। मौका परस्त इंसान था मैं। फाइनली एक दिन मेरी जिंदगी का टर्निंग मोड आया। मैं थोड़ा सा परेशान था क्योंकि सुबह 9 बजे उठना, शाम को 7 बजे आना, खाना खाए खाए नहीं खाए नहीं खाए, बिना नहाए धोए सो जाना, अपने ही घर जाने के लिए किसी अगले बंदे से परमिशन लेना कि सर क्या मैं घर जा सकता हूँ, किसी की अपने ही किसी रिश्तेदार की शादी में जाने से पहले अपने बॉस से जाकर पूछना कि सर क्या मैं 2 दिन की छुट्टी ले सकता हूँ। अगर वो मेरे को बोल दे कि नहीं छुट्टी नहीं ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं। मेरे दिमाग में बात सेट हुई कि जिस दिन मेरी शादी होगी उस दिन मुझे मुहूर्त मेरे बॉस के हिसाब से निकालना पड़ेगा, ना कि मुहूर्त मेरे हिसाब से निकलेगा। मेरी जिंदगी कुछ ऐसी चल रही थी क्योंकि नौकरी का माइंडसेट ऐसा होता है, नौकरी का सेटअप ही ऐसा होता है दोस्तों। और फाइनली मेरी जिंदगी में टर्निंग मोड आया जहां पर मेरे बॉस ने मुझे पासबुक प्रिंट कराने के लिए बोला कि अमित सर ये आईडीबीआई बैंक में जाकर इसको प्रिंट करा के लेकर। मैं प्रिंट कराया तो मैंने, उन्होंने मेरे से पूछा कि अमित सर आगे का स्क्रीन भेजिएगा, जो फर्स्ट पेज था उसका स्क्रीन भेजिएगा। मैंने जब स्क्रीन को देखा तो उसमें लिखा था 1.5 लाख रुपए क्रेडिट इन माय बॉस अकाउंट। दिमाग में एक बात क्लिक करी कि यार मैं भी उसी ऑफिस में बैठा हूं, मैं भी उतना ही काम करता हूं, मैं सुबह 9 बजे जाता हूं, शाम को 7 बजे लौटता हूं, मेरे बॉस सुबह 12 बजे आते हैं, 4 बजे घर चले जाते हैं, लेकिन वो व्यक्ति 1.5 लाख रुपए कैसे कमा सकता है? हाउ इट इज पॉसिबल, कैसे? मैं तो उनसे ज्यादा काम करता हूं और आई थिंक मैं उनसे ज्यादा जानता था, बट कैसे? मैंने अपने बॉस के सामने सवाल किया कि सर कैसे मैं आपसे ज्यादा काम करता हूं सर, और शायद इस ऑफिस को हम आपसे ज्यादा संभालते हैं, हमारे कुछ कॉलीग थे, हम सारे लोग मिलकर ज्यादा ऑफिस संभाला करते थे। तो मेरे बॉस ने बड़ा जिद के साथ ये बात बोली, बड़ी मतलब स्माइल होती है ना कि कोई आपको नीचा दिखाने वाली स्माइल जब करता है, उस छोटे से स्माइल के साथ मेरे बॉस ने मेरे से बोला कि मेरे कंधे पर हाथ रख के कि बेटा तू तो क्या इस ऑफिस में कोई भी इतना पैसा नहीं कमा सकता। दोस्त अंदर से खून उबाल मार गया कि किसी ने बोला तो बोला कैसे, क्योंकि मैं कुछ उस टाइप का इंसान हूं जहां पर लोग मुझे बोलते हैं कि तू ये काम नहीं कर सकता है और वो काम मेरी रेंज में आता है तो मैं उस काम को करने के लिए जमीन और आसमान एक करने की पूरी ताकत रखता हूं। रात को घर पहुंचा, बिना खाया सोया, करवटे बदलते रहे सारी रात, हम 1.5 लाख रुपए के बारे में सोचते सोचते कि अगर वो कमा सकता है तो वो क्यों नहीं, और मेरे अंदर क्या है ऐसा। मैंने आईने में अपने आप को देखा, मैंने देखा कि मेरे भी 2 हाथ हैं, मैंने देखा कि मेरे पास भी 1 सर है, मैंने देखा कि मेरे पास भी 2 पैर है। अगर कोई अगला व्यक्ति 1.5 लाख रुपए कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता दोस्तों। और फाइनली दूसरे दिन मैंने अपने बॉस से परमिशन मांगी, सर मैं अंदर आ सकता हूँ? उन्होंने मेरे को बोला कि बिल्कुल आप अंदर आ सकते हो। और फाइनली मैं आया, मैंने बोला सर मैं माफी चाहूंगा लेकिन आपने गलत व्यक्ति से गलत बात करी है। और बोलते क्या बात होगी? तो मैंने बोला सर पैसा तो कमाना है सर, क्योंकि मुझे पता है कि जितना भी मैं सैलरी उठा रहा था उतनी सैलरी में मैं जीवन में आगे ग्रो नहीं कर पाऊंगा, या मैं घर नहीं ले सकता, या मैं कार नहीं ले सकता, या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता जिसमें मेरे मम्मी पापा को मेरे ऊपर प्राउड फील हो कि मेरा बेटा कुछ बेहतर करता है। और जिंदगी का टर्निंग पॉइंट दोस्त 15 नवंबर 2014 को मैंने रिजाइन दिया अपनी जॉब से जहां पर मुझे प्रमोशन मिलने वाला था, और मैंने अपनी जॉब से रिजाइन किया और फाइनली मैं फ्री हो गया। मैं जब घर आया, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, जब मैं घर आया मैं 1 दिन जॉब में नहीं गया, 2 दिन जॉब में नहीं गया, 3रे दिन जॉब में नहीं गया, लेकिन जिस दिन
मेरे चौथे दिन मेरी मम्मी ने मेरे को उठाया कि बेटा टिफिन बन गया है, जा क्यों नहीं। और मैंने बोला मम्मी मैंने नौकरी छोड़ दी। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए किसी एक व्यक्ति का जॉब छोड़ देना मतलब पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाना कि अच्छी भली सेटल्ड लाइफ थी, हमने सोचा कि 2-3 साल में तुम्हारी शादी कर देंगे, कुछ बड़ा कर लेंगे, घर को अच्छे से बनवा लेंगे, लेकिन तुम तो जॉब छोड़कर बैठ गए, क्या हो गया ये दोस्त? कुछ ऐसी जर्नी थी और फाइनली मैंने जॉब को क्विट किया। समय की कमी के कारण मैं इस चीज को थोड़ा सा स्किप करना चाहूंगा। जिंदगी में बहुत सारी चीजें हुई दोस्तों, ड्यूस ऑफ का चैप्टर स्टार्ट होगा। आपको यहाँ पर कोई लेकर आया होगा, कोई आपका भाई होगा, कोई आपकी बहन होगी, कोई आपका पड़ोसा होगा, कोई आपका क्लासमेट होगा, कोई आपका जानने वाला होगा, कोई आपको पहचानने वाला होगा, कोई आपको मानने वाला होगा, लेकिन मुझे ड्यूस ऑफ का जो कंसेप्ट दिखाया वो एक चाय के टपरे पे मिला। यस दोस्त याद रखना, अगर आपको कोई रास्ते पर मिला है और रास्ते पर मिलकर उसने आपको ये चीज बताई है कि आप जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो या जिंदगी में कुछ बेहतर कर सकते हो, तो उस व्यक्ति के ऊपर शक मत करना, उस व्यक्ति के गले लगना, उस व्यक्ति से हाथ मिलाना। क्योंकि याद रखना, जिनकी मंजिल एक होती है वो अक्सर रास्तों पर ही मिला करते हैं। और उस व्यक्ति की भी एक ही मंजिल थी कामयाबी, और मेरी भी एक ही मंजिल थी कामयाबी। और फाइनली मैंने स्टेप किया, उस बंदे ने मुझसे बोला कि सर क्या करते हो, मैंने बोला हम कुछ नहीं करते। उस बंदे ने मुझे जवाब दिया, सर बिल्कुल टेंशन मत लो, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं, और हम कमाल करने वाले लोगों में से थे। उस व्यक्ति ने मुझे बुलाया, आज मैं बहुत सारे लोगों को यहाँ पर देख पा रहा हूँ, आप अपने मोबाइल के ऊपर बैठे हुए हो, कोई टाई लगा कर बैठा हुआ है, कोई स्माइल कर रहा है, बहुत सारे लोगों के सर के ऊपर पंखा लगा हुआ है, जाहिर सी बात है आप चटाई के ऊपर बैठे हो, आप चेयर के ऊपर बैठे हो। सर जब मुझे ड्यूस ऑफ का प्लान मिला, हम 3 लोगों थे टोटल उस ऑफिस में, 2x2 की खोली, सर खोली थी मेरे पास, हमारे पास जो व्यक्ति मुझे प्लान प्रेजेंटेशन के लेकर गया था वो मुझे खोली में लेकर गया था, ना घर, ना ग्राउंड, ना पार्क, ना मॉल, ना मूवी थिएटर, वो मुझे छोटी सी खोली में लेकर गया था जहां पर मेरे पांव भी पूरे नहीं आ रहे थे। उस व्यक्ति ने मुझे बताया एजुकेशन वाला काम है, सारी चीजें मुझे समझाई गई। और जैसे उस बंदे ने मेरे से पूछा कि सर कब से स्टार्टअप करना चाहेंगे, मुझे नहीं पता जीवन में क्या सही क्या गलत है, मैं अपने इष्ट देवता को बहुत मानता हूँ, थैंक्स टू दादा महाराज, थैंक्स टू मेरे इष्ट देवता, मेरे माता पिता परम परमेश्वर, मेरी बुआ जी का बहुत लंबा सपोर्ट रहा है हमारे जीवन में, मेरी अपूर्वा भाभी का बहुत लंबा सपोर्ट, मेरे बड़े भाई का, मेरे पूरी ऑल फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है मेरे जीवन में। मैं उन सारे लोगों के आशीर्वाद से बोला जाता है कि जब सारे लोग एफर्ट लगाते हैं तो ऊपर वाले ने मुझे टपली मारी। सर जब टपली मारी जाती है तो आपकी मुंडी ऐसी हो जाती है, आप हिल जाते हो, अंदर से हाँ बोलने का मन नहीं था लेकिन जब टपली मारी गई तो मुंडी हिली, हाँ मैं कि हाँ मैं करूंगा। और बंदा बोलता कि सर फिर कब से स्टार्टअप करना चाहोगे, कल से, आज से या फिर अभी से? मैंने बोला बस सर स्टार्टअप करना चाहेंगे। अब बात आती है बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, बात आती है दोस्त पैसे की। और फाइनली जब पैसे का जुगाड़ करने गए तो मेरे घर वालों को लगता था कि किसी ने मुझे मोहनी खिला दी है, मेरे ऊपर शनि का साया और मंगल की माया हो चुकी है, क्योंकि मैं नौकरी छोड़कर बैठा था ना, मैं नौकरी छोड़कर बैठा हुआ आदमी था, तो मेरे घर वालों को लगता था कि ये बंदा एक अलग मानसिकता में है। मेरे सर के पास जब मैं देखता था तो मेरे सर के पास अगरबत्ती लगी मिलती थी मेरे को, मुझे मेरे घर वालों को लगता था कि बाप रे क्या हो गया इसको, अच्छी भली नौकरी छोड़कर बैठा हुआ है। और इस कंडीशन में आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान से सीमा हैदर आई और वहां पर हम अपने 4 प्यारे प्यारे लड़कों को भेज दें तो पाकिस्तान के दिल में धकधकी लगी रहेगी कि जैसे सीमा हैदर भाग कर आ गई, हमारे ये 4 लड़के की 4 और लड़कियां को तो उठा के नहीं ले आएंगे। कुछ ऐसी मानसिकता मेरे घर वालों की थी। और वहां पर पैसा मांगना मतलब डायनामाइट के ऊपर पैर रखने वाली कहानी थी। अपने घर गया फिर भी मैंने अपनी माता जी से बोला कि मम्मी जिंदगी बदलने वाला कंसेप्ट मिला है, हमारी माताजी बहुत ज्यादा तेज है, उनके हाथ में थी झाड़ू, और उसके आगे तो मैं बता नहीं सकता कि मेरे साथ क्या हुआ क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं पाता और मैं बताऊंगा तो समय की थोड़ा पाबंदी है। बस चैलेंज थे लाइफ में दोस्त, चैलेंज थे लाइफ में, इतना आसान नहीं होता कामयाब होना कि आप सोचो बस 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 49,000 रुपए 49 लाख रुपए जी, ऐसा नहीं होता सर। जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, आप एक छोटे से पहाड़, आप एक बड़े पहाड़ को तोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हो लेकिन छोटे छोटे पहाड़ों को तोड़कर आगे बढ़ सकते हो। मैंने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया,
मेरे पास एक लाल परी थी जो मेरी बुआ ने मेरी बुआ जी ने मेरे को गिफ्ट करी थी, लाल कलर की साइकिल। मैंने उस साइकिल को बेचा, कुछ पैसा वहां से आया, कुछ पैसा अपने अकाउंट से निकाला, कुछ पैसा अपने दोस्तों से लिया, और फाइनली मैंने जिंदगी की जर्नी को चालू कर दिया। अब जिंदगी की जर्नी को चालू कर तो दिया, लेकिन बोला जाता है ना कि जब शादी होगी तो नागिन डांस वाला डिपार्टमेंट एक बंदा ले लेगा कि भाई तेरी शादी में तो मैं ही नागिन डांस करूंगा। जब खाने की बात आएगी तो अलग से इनविटेशन आएगा, हेलो हाँ रसगुल्ला रखा है कि नहीं रखा। जब सेलिब्रेशन की बात आएगी तो पूछा जाएगा कि यार कहाँ कब कितने बजे चालू होगा, अच्छा खाना कितने बजे लगेगा, भाई तेरी शादी में सबसे ज्यादा मैं ही नाचूंगा। लेकिन जहां स्ट्रगल की बात आती है वहां पर आपके पीछे आपको कोई दिखाई नहीं देता। क्योंकि याद रखना मेरे दोस्त, आज जितने भी मेरे भाई बहन नए आए हुए हैं, आप लोगों ने 2 महीने में स्टार्टअप किया है, 3 महीने हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, डजंट मैटर। एक मानसिकता अपनी जरूर बनाकर चलना कि इंजन हमेशा आगे चलता है और डब्बे हमेशा पीछे लगा करते हैं। जो बंदा ये बात सोचकर चले कि सर पहले आप करके दिखाओ फिर मैं करूंगा, उस बंदे का हाथ मिलाना, उस बंदे के गले लगना और मेरा मानना है पप्पी भी ले लेना उस बंदे की कि यस सर जरूर, पहले मैं चलता हूं उसके बाद तुम्हारी बारी। चलना चालू किया दोस्त, मार्केट में प्लान फॉलोअप करना चालू किए, रिजेक्शन इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। बहुत सारे रिजेक्शन आए, बहुत सारे रिजेक्शन आए, लेकिन मेरा यह मानना है या तो करो या तो करो मत। और मेरा एक मानसिक एक माइंड सेट है मेरा, जो मुझे गुरुदेव अनुराग सर ने समझाया, मेरे अपलाइन ने समझाया, मेरे बड़े भाई ने समझाया। मेरे बड़े भाई ही मेरी अपलाइन है, उनने मुझे ये बात समझाई कि अगर पूरे रेगिस्तान में आपको एक भी पेड़ अगर उगता हुआ दिखाई दे जाए, एक भी हरा भरा पेड़ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि रेगिस्तान में भी पेड़ उग सकता है। और जब मैंने ड्यू सॉफ्ट के बैकग्राउंड को देखा, जब मैंने स्टार्टअप किया था तब ड्यू सॉफ्ट में 25 से 27 लाख एसोसिएट्स थे, जब मैंने ड्यू सॉफ्ट में पलट कर देखा तो 27 लाख एसोसिएट ऑलरेडी थे। तो मेरा ये दिमाग हुआ कि अगर 27 लाख लोग स्टार्टअप कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर रेगिस्तान में एक पेड़ उगाया जा सकता है तो लाखों और हजारों पेड़ भी उगाए जा सकते हैं। और अपनी जर्नी में निकल गया। क्या है ड्यू सॉफ्ट, क्या है ड्यू सॉफ्ट? ये स्ट्रगल वाला काम है, ये मेहनत वाला काम है, ये सपनों वाला काम है, ये अपनों वाला काम है, अपनों को अपनों से जोड़ने वाला काम है। ये बंदे बनाने वाला नहीं है, ये बंदा बनने वाला बिजनेस है, बंदा बनाने वाला बिजनेस है सर। ये बंदा, ये काम जो आपको आगे लेकर जाता है, जो आपको मोटिवेट करता है, जो आपको समझाता है, जो जीवन में ऊंचाइयां देता है। स्टार्टअप किया, क्या होता है ड्यू सॉफ्ट में? आप एक गाड़ी लेते हैं, वो गाड़ी चलाने का सिर्फ एक ही रीजन होता है कि पेट्रोल डालो, चेक मारो और मार्केट में निकल जाओ। आजकल तो सेल्फ आ गया है, सेल्फ मारो और मार्केट में निकल जाओ। दोस्त ड्यू सॉफ्ट की गाड़ी पर सवार हो चुका था, सपनों का पेट्रोल डालना पड़ता है सर। जितने भी नए व्यक्तियों ने स्टार्टअप किया है, आप अगर ड्यू सॉफ्ट किसी व्यक्ति को देखकर आ रहे हो तो मत देखकर आओ। आप अगर ड्यू सॉफ्ट अपने घर वालों की कंडीशन देखकर आ रहे हो तो आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में जब आपसे कोई पूछेगा कि आपकी माता जी से कोई पूछेगा कि आपका बेटा क्या करता है, तो आपकी माता जी की नजरें झुकी हुई नहीं होंगी, आपकी माता जी की नजर गर्व से उठी हुई होंगी और आपकी माता जी बोलेंगी हमें नहीं पता क्या करता है, बट टाई लगाता है, ब्लेजर पहनता है और लाखों रुपए कमाता है। ये माता जी वाला काम है, ये पिताजी वाला काम है, ये सिक्योरिटी वाला काम है, ये बेहतरीन काम है। अगर आप इस मानसिकता के साथ ड्यू सॉफ्ट करते हो कि आप अपना खर्चा चला लोगे तो आप गलत हो, लेकिन अगर आप इस मानसिकता के साथ काम करते हो कि आप अपने परिवार का खर्चा अपने दम पर उठा सकते हो तो आपका वेलकम है, आपका वेलकम है दोस्त। चैलेंजेस आए मार्केट में, हर चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, क्योंकि मेरा ये मानना है दोस्त और इसी माइंडसेट और इसी कंसेप्ट में मैंने जीवन में हमेशा काम किया है कि जीवन में आपको अगर कुछ करना है तो वो चीज करना है, अगर कोई चीज अचीव करना है तो वो चीज अचीव करना है। क्यों? मैं आपको थोड़ा सा अपने परिवार और आपके परिवार से कनेक्ट होकर ये बात बताना चाहूंगा। शायद हमारे माता पिता के पास वो साधन नहीं थे, मेरे पापा के पास नहीं थे, मेरे दादाजी के पास नहीं थे, मेरे परदादा के पास नहीं थे, मेरे दादा के दादा के पास नहीं थे, मेरे दादा के दादा के पास नहीं थे, वो साधन नहीं थे। लेकिन आज हमारे पास वो साधन है, हमारे पास वो साधन है। अगर मेरे पापा के पास ड्यू सॉफ्ट का कंसेप्ट आता तो
तो शायद मैं सेकंड जनरेशन में ड्यूसो आपके प्रेजेंटेशन पे बात कर रहा होता, लेकिन आई एम अ फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेनर सर। हमारे पिताजी के पास वो साधन नहीं है, अपने माता जी, अपने पिताजी, अपने परिवार वालों के ऊपर ब्लेम करना बंद करो कि आप रोड साइड जमीन ले लेते तो शायद आज हम करोड़पति होते, गोल्ड ले लेते तो शायद हम करोड़पति होते। उनको वो साधन नहीं मिले दोस्त, उनको वो चीजें नहीं मिली हैं, लेकिन आपको तो मिली हैं। यू आर अ लकी, आप बहुत लकी हो कि आप तक ड्यूसॉफ्ट से कनेक्ट हो पाया है, आप तक ड्यूसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन पहुंच पाया है। शायद उनमें कैपेसिटी नहीं थी डिसीजन लेने की, लेकिन आपके अंदर जो कैपेसिटी है, आप क्यों बैक स्टेप करते हो, आप क्यों पीछे हट जाते हो, आप क्यों अपनी जिंदगी में गिव अप कर देते हो कि होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। सर, जिस दिन पहले दिन सचिन तेंदुलकर बल्ला लेके स्टेज में गया था, आपको क्या लगता है उसने ऐसा कुछ सोचा होगा कि हुआ हुआ नहीं हुआ तो वापस लौट जाएंगे। मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ, आप लोग हाँ जी ना जी में जवाब दे सकते हैं, मुंडी हिला सकते हैं, मजा आएगा। अब पहले दिन जब सचिन तेंदुलकर पवेलियन में गया था, आपको ऐसा लगता है कि सचिन तेंदुलकर ने बोला होगा कि ठीक है बल्ला घूमा तो ठीक है, नहीं तो नौकरी कर लेंगे, ऐसा लगा होगा? हाँ जी बिल्कुल नहीं। जब पहली बार एमएस धोनी ने बल्ला पकड़ा होगा और सोचा होगा कि मैं इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाऊंगा, तब उसको लगा होगा हुआ तो ठीक है, नहीं तो वापस जाके पैर पकड़ लेंगे, टिकट कलेक्टर बन जाएंगे, ऐसा हुआ होगा? जब पहली बार शाहरुख खान एक्टर बनने गया होगा, तब शाहरुख खान का ये माइंडसेट होगा कि हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो हमारे बाजू वाली रूपा मैडम है, उनसे शादी कर लेंगे, ऐसा हुआ होगा? जब पहली बार नोरा फतेही डांस करने निकली होगी, तब नोरा फतेही ने सोचा होगा कि नाचे नाचे किसी ने काम दिया दिया, नहीं तो वापस घर आएंगे और अपनी जिंदगी जिएंगे। नहीं सर, ये जिस दिन मार्केट में निकले, इनने जिस दिन अपने हाथ में पेन पकड़ा, कलम पकड़ी, जिस दिन इनने ड्यूसॉफ का प्लान देखा, या जिस दिन ये अपने मार्केट में निकले, उस दिन इनका एक ही माइंडसेट था, करके लौटूंगा, करके लौटूंगा, हारे नहीं लौटूंगा, हार कर नहीं लौटूंगा, हार पहन कर लौटूंगा, हार कर नहीं लौटूंगा, हार कर पहन में, हार कर लौटना और हार पहन कर लौटने में जमीन आसमान का फर्क होता है दोस्तों। और बस उसी माइंडसेट के साथ मैंने निकला, या तो करूंगा या तो मरूंगा। मरने का तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास जिंदगी पड़ी थी, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ था ही नहीं, और पाने को तो पूरी दुनिया और पूरा साम्राज्य खड़ा था सर। और मेहनत करी, प्लांट होके मैं एक फील्ड से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ, हमारे संजीव सर से बड़ा इंस्पायर हूँ मैं, रवि चरण सर से बड़ा इंस्पायर हूँ मैं, ऑल द आर्मी सीनियर्स, जो हमारे नेवी सीनियर्स हैं, आर्मी सीनियर्स हैं, उन सारे लोगों से मैं बड़ा इंस्पायर हूँ कि जिस दिन ये फॉर्म भरते हैं कि यस मैं वर्दी पहनूंगा, उस दिन उस फॉर्म में टर्म एंड कंडीशन लिखी होती है, जो कि मेरे आर्मी वाले फ्रेंड ने बताया था कि अगर तुम्हारे ऊपर कभी हमला हो जाए, या तो तुम मारोगे या तो तुम मरोगे, लौट नहीं सकते, लौटना कोई विकल्प नहीं था। और वही मेरा माइंडसेट था, वही मेरी मानसिकता थी कि जिस दिन मैंने ड्यूसॉफ्ट का फॉर्म भरा, मेरी यही मानसिकता थी, या तो मारूंगा या तो मरूंगा। और बाद में मुझे पता चला कि आप जितने ज्यादा आतंकवादियों को मारते हो, उतने ज्यादा मेडल आपके कंधे पर चढ़ते चले जाते हैं। और उसी कंसेप्ट को मैंने ड्यूसॉफ्ट से कनेक्ट किया कि वहां पर भी ठोकना है और यहाँ पर भी ठोकना है, वहां पर आपको गोलियां ठोकना है और यहाँ पर आपको प्लांट ठोकना है। आप जितने ज्यादा प्लांट ठोकने की ताकत रखते हो, उतने ज्यादा लेवल आपके बढ़ते चले जाते हैं। उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, कोई आएगा कोई नहीं आएगा, जो आएगा उसका स्वागत करो, जो नहीं आएगा उसको बोलो कोई दिक्कत नहीं है, मिलते हैं। तो दोस्त, जिंदगी ऐसी चल रही थी, बहुत मजेदार जिंदगी चली हम लोगों ने। मैं अकेला ड्यूसॉफ्ट नहीं करता हूँ, अगर कोई बंदा सोचे कि मैं अकेला ड्यूसॉफ्ट करता हूँ, मैं अकेला ड्यूसॉफ्ट नहीं करता हूँ। मेरे बड़े भाई मेरी ग्रेट अपलाइन है, मैंने उनके साथ स्टार्टअप किया है। मेरी फियांसे है नेहा शर्मा, वो मेरे साथ स्टार्टअप करते हैं। मेरा छोटा भाई अमित चंद्रवंशी, वो मेरे साथ स्टार्टअप करता है। चंद्र कुमार उट्टे, वो मेरे साथ स्टार्टअप कर चुके हैं। ये फैमिली बिजनेस है, हम सारे लोग मिलके, और प्राउड टू बी अ ड्यूसॉफ्टियन। मुझे गर्व है इस बात पर कि जिन लोगों ने मुझे ये बात बोली थी कि तेरा काम चलेगा कि नहीं चलेगा, तेरा काम होगा कि नहीं होगा, और मैंने बोला ना सर, मैंने बोला ये बात कि जिंदगी में उबाल जरूरी है,
खून जरूरी है, उबाल जरूरी है। जिन्होंने मुझे बोला था कि होगा कि नहीं होगा दोस्तों, मुझे ये नहीं पता, लेकिन जब उनने ये बात बोली थी कि तेरा होगा कि नहीं होगा, आज जब मैं उस बंदे से जाकर मिलता हूँ तो उसकी दाढ़ी बड़ी है। और अगर वो मेरे घर आ जाता है और मार्केट में निकल कर देखता है तो वो ये भी देखता है कि मेरे पास गाड़ी बहुत बड़ी है दोस्तों, गाड़ी बहुत बड़ी है। दैट इज अचीवमेंट ऑफ यूसुफ। हम लोगों ने मिलकर तूफान खड़ा किया, बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया दोस्तों। आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रायपुर, जबलपुर, सतना, पिपरिया, शिहोरा, देयर आर सो मेनी बेल्टेज, देयर आर सो मेनी काम, बहुत सारी जगह पर वर्कआउट किया। बस एक चीज की दम पर सर, सिर्फ एक चीज की दम पर मैं अपने 5 मिनट में आप में मैं अपनी मानसिकता आपको समझाना चाहूंगा कि मैंने ड्यूसॉफ्ट क्यों किया। 5 मिनट सर, अगर आप में से किसी भी बंदे को कोई गाड़ी दे दी जाए, आप चाहते हो, यहाँ पर मैं देख लेता हूँ चंद्र कुमार उट्टे जी हैं, दीप माला शर्मा मैडम है, प्रगति मैडम है, मुसफर सतीश शर्मा है, MJK है, देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। मैं सर आप लोगों से कनेक्ट करना चाहूंगा, मैं आप लोगों को देख पा रहा हूँ, MKJ सर, मैं आपसे इस बात को कनेक्ट करना चाहूंगा। अगर आपको बहुत प्यारी गाड़ी दी जाती है तो शायद आप बोलोगे मुझे रॉल्स रॉयल चाहिए, मुझे लैम्बोर्गिनी चाहिए, मुझे कुछ बहुत अच्छी गाड़ी चाहिए, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां चाहिए, और आप उस बात को एक्सेप्ट भी करते हो कि यस मैं लूंगा। आप चाहे 10 करोड़ की गाड़ी मांगो, चाहे 50 करोड़ की गाड़ी मांगो, चाहे 100 करोड़ की गाड़ी मांगो, ऊपर वाला आपकी वो विश पूरी करेगा कि यस आपको वो गाड़ी दी जाती है। बस एक छोटा सा स्टार बना दिया जाएगा, छोटा सा टर्म एंड कंडीशन इस गाड़ी को। अगर ये गाड़ी आपकी खराब होती है तो जिंदगी में कभी ये गाड़ी आप रिपेयर नहीं कर सकते। अब आप उस गाड़ी को कैसे चलाओगे? ओले 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 ओले। और सबसे बड़ी बात क्या आप किसी अगले के हाथों में वो गाड़ी दोगे? देंगे आप? अगर कोई चाचा आएगा, अरे यार भाई गजब की गाड़ी है, दे यार जरा चाय पी के आता हूँ, यार दे जरा बारात में लेकर जाता हूँ, यार दे यार जरा स्टाइल मार के आता हूँ, आप वो गाड़ी किसी के हाथ में दोगे? जान चली जाए, प्राण निकल जाए, लेकिन चाबी जेब से ना जा पाए। सर ऊपर वाले ने आपकी एक विश कंप्लीट की है, आपको इतनी प्यारी लाइफ दी है, आपकी गाड़ी दोबारा रिपेयर नहीं हो पाएगी, आपकी लाइफ भी दोबारा रिपेयर नहीं हो पाएगी। सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि आप उस गाड़ी की चाबी किसी थर्ड पार्टी के हाथ में कभी नहीं दोगे, लेकिन आप अपनी जिंदगी की चाबी, जिंदगी की गाड़ी की चाबी किसी थर्ड पार्टी के हाथ में क्यों दे देते हो? सर मेरे चाचा बताएंगे, मेरे पापा बताएंगे, मेरे फूफा बताएंगे, उनने ऐसा ऐसा किया, उनने वैसा वैसा किया। सर शाहरुख खान इट इज द लास्ट ऑफ स्टार इन इंडियन सेंचुरी, लेकिन उसका बेटा नहीं कर पा रहा है, समझो आप इस बात को। अपनी जिंदगी की गाड़ी की चाबी कभी किसी के हाथ में नहीं देने का, अपने हाथ में रखने का। क्योंकि मेरा ये मानना है सर, मैं बड़ा इंस्पायर हूं उन लोगों से, मैं बड़ा इंस्पायर हूं उन लोगों से जिनने जीवन में कुछ बहुत बेहतर किया, और मैंने अपने लिए जो काम किया तो किया, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि मैं जब जीवन में आगे बढ़ूं और मेरे बेटे से कोई जाकर पूछे, मेरे बेटे से कोई जाकर पूछे कि तू क्या बनना चाहता है, तो मेरा बेटा बड़े प्राउड के साथ बोले मैं अपना बाप बनना चाहता हूं, मैं अपना बाप बनना चाहता हूं। मेरा बेटा जिस कमरे में सोएगा उस कमरे के ऊपर सचिन तेंदुलकर का पोस्टर नहीं लगा होगा, उस कमरे के ऊपर उसके बाप का पोस्टर लगा होगा कि मैं अपना बाप बनना चाहता हूं। जब मेरे बेटे से कोई पूछेगा कि दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तू किसको करता है, सबसे ज्यादा आगे तू किसको मानता है, अपना आइडियल किसको मानता है, अपना मेंटोर किसको मानता है, तो मेरा बेटा किसी फिल्म स्टार का नाम नहीं लेगा, मेरा बेटा किसी और का नाम नहीं लेगा, मेरा बेटा बोलेगा जिनसे मैं पैदा हुआ हूं मैं उनको मानता हूं। मेरे जीवन का ये उद्देश्य है सर कि मैं अपने बेटे की इंस्पिरेशन बनना चाहता हूं। मैं नहीं बनना चाहता हूं आप में से किसी की इंस्पिरेशन, मैं अपने परिवार की इंस्पिरेशन बनना चाहता हूं, मैं अपने परिवार की इंस्पिरेशन बनना चाहता हूं। और मुझे मेरे परिवार की इंस्पिरेशन बनने के लिए अगर मार्केट में धक्के खाने पड़ते हैं तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर धक्के तो खाने पड़ेंगे ना, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो चरसों, कभी तो धक्के खाने पड़ेंगे। या तो 5 साल नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री में थोड़ी सी मेहनत कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो,
या तो 50 साल किसी और फील्ड में जिंदगी भर की मेहनत करो और अंत में सर पटक के रो कि हायरे दद्दा मैं तो कुछ नहीं जोड़ पाया, हायरे दद्दा मैं तो घर ही नहीं बना पाया। जब बच्चों की शादी करने वाली बात आए तो आपको अपना फंड रिलीज करवाना पड़े, अपना जेवर बेचना पड़े, अपने घर को गिरवी रखना पड़े, उससे अच्छा है ड्यूस ऑफ करके लाखों लोगों की जिंदगी बदल के अपने आप को एक नया आयाम दिया जाए, एक नया आगाज तक पहुंचाया जाए और अपने परिवार की इंस्पिरेशंस बनाया जाए। प्राउड टू बी अ ड्यूसॉफ्टियन, मुझे गर्व है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पर मैं नतमस्तक हूं मिस्टर ऋषि सहदेव के चरणों में, मैं नतमस्तक हूं अनुराग सर के चरणों में, मैं नतमस्तक हूं कैलाश भाटी के चरणों में कि इन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, इन लोगों ने मुझे समझाया, इन लोगों ने मुझे बताया। थैंक यू सर, मैं तहे दिल से आप सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अगर आप नहीं होते तो हम नहीं होते और शायद हम नहीं होते तो ये कारवां नहीं। दोस्त आप लोगों की मोटिवेशन के कारण इतनी लंबी जर्नी तय कर पाए, 9 साल, 9 साल, क्योंकि सर मेरा एक सपना था। आज जाना इस मीटिंग को खत्म होने के बाद जिन लोग जो लोग स्टार्टअप कर चुके हैं और जिनने स्टार्टअप नहीं किया है उन लोगों के लिए एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूंगा। आज जाना यहां से और अपने पापा के हाथ छूकर देखना, हाथ मुलायम है कि हाथ कड़े हो चुके हैं, उनके हाथों में भट्ट पड़ चुकी है मेहनत की। जाना अपनी माता जी से पूछना, उनकी आंखों के नीचे डार्क सलकर आ चुके हैं, क्यों? क्योंकि वो आपकी टेंशन लेती हैं। जाना और अपने बहन से ये बात पूछना कि बहन क्या चाहती है मेरे से। जाना और अपने छोटे भाई से पूछना कि तू अपने बड़े भाई से क्या चाहता है। वो हर व्यक्ति एक ही चीज बोलेगा कि भैया बेटे सिर्फ आप ही लोगों से हमारी उम्मीद है, उस परिवार की आप उम्मीद होते हो सर, उस परिवार की आप उम्मीद होते हो। मैंने कितनी मेहनत करी, कितना स्ट्रगल किया, कितनी बेल्टें बदली, कितना काम किया, डजंट मैटर, लेकिन जिस दिन मैंने अपने शोरूम से अपनी कार को रिलीज किया ना सर, मेरी मां की आंखों में आंसू थे, मेरी दादी के चेहरे पे जब एसी की हवा पड़ी तो मेरी दादी की आंखों में आंसू थे, मेरे पापा को प्राउड फील था। मेरी जिंदगी में मेरी एक बुआ है जिनको मैं बहुत प्यार करता हूँ, उन बुआ जी से जब भी हम मिलते हैं तो उन बुआ की आंखों में सुरूर रहता है कि बेटा तुम लोगों ने करके दिखाया। और मेरा मानना है एमकेजे सर, अगर उस छोटे से प्रॉब्लम और उस अगर उस वैसे हजारों प्रॉब्लम भी हमारे जीवन में आए तो आई एक्सेप्टेड, मैं खड़ा हूं उन प्रॉब्लमों को झेलने के लिए, लेकिन वो जो स्माइल होती है ना, अरे वाह 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 क्या बात है। दोस्तों अपने परिवार के लिए मेहनत करो, निकलो घर से बाहर, घर से बाहर निकले बिना कुछ नहीं होता। ठोको प्लान पे प्लान, ठोको प्लान पे प्लान, ठोको प्लान पे प्लान, निकलो मार्केट में करके दिखाओ लोगों को, करके दिखाओ लोगों को, क्योंकि लोग सुनना नहीं देखना पसंद करते हैं। और याद रखना दोस्त, जिन लोगों ने बोला है कि तू नहीं कर सकता है उन लोगों को नतमस्तक होकर बोलना, समय बताएगा और समय बहुत बलवान होता है। दोस्त मेहनत करी, 9 साल कंप्लीटेड, प्राउड टू बी अ ड्यूसॉफ्टियन, जिंदगी में सब कुछ पाया। 350 रुपए से बड़े उत्सुक हो आप लोग कि सर बताओ तो आगे, मैं समझ पा रहा हूं आपकी उत्सुकता को। 350 रुपए से लगभग 3500 रुपए दिन का सफर तय करके मैं आज आपके सामने खड़ा हूं दोस्तों। लगभग इस ड्यूस ऑफ प्लेटफॉर्म से 1.5 लाख रुपए महीने से भी ज्यादा सैलरी लेकर आपके सामने खड़ा हूं। ऑल द फैमिली, मेरी वाइफ होने वाली, मैं सगाई शुदा आदमी हूं अभी की रेट में, मैं शादी शुदा नहीं हूं। आपने जो फोटो देखी है मेरी वो मेरी शादी की फोटो, मैं सगाई शुदा आदमी। मेरी फियांसे के साथ मेरे भाई और मेरे 2 छोटे छोटे भाई जो मेरे साथ हैं, ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन मैं उनको बाय हार्ट भाई मानता हूं। हम सारे लोगों ने मिलकर और अपनी दम पर, आपको विश्वास नहीं होगा दोस्त, ये जनरेशन जहां पर आपको बोला जाता है कि बस छोटा सा काम, सर आपको विश्वास नहीं होगा, आज प्राउड टू बी अ ड्यूसॉफ्टियन, अपनी जिंदगी की जर्नी में मैंने 10 लाख नहीं, 20 लाख भी नहीं, 30 लाख भी नहीं, 40 लाख भी नहीं,
50 लाख भी नहीं, 60 लाख भी नहीं, विद फैमिली 1 करोड़ रुपए कमा के आपके सामने बैठा हूं दोस्तों, 1 करोड़ रुपए कमा, दैट इज द पावर ऑफ पीस ऑफ। क्योंकि गिव अप ना, कभी ना हारने की आदत आपकी आदत जीत में तब्दील हो जाती है, और मैं कभी नहीं हारा, कभी ना हारने की आदत मुझे जीत में हासिल कर गई दोस्तों, और मैं आगे बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा करता रहा, प्रॉब्लमों को फेस करता रहा और आगे बढ़ता रहा। मेरा आप सारे लोगों से बस इतना ही अनुरोध है और इतना ही कहना है, लगे रहो आर पार जिलाधार, और इतने प्लान ठोकेंगे मार्केट में, इतने प्लान ठोकेंगे मार्केट में, इतनी काउंसलिंग करेंगे मार्केट में, इतनी मीटिंग लगाएंगे मार्केट में, कि लगा देंगे हम अपने एरियो में ड्यू सॉफ्ट बालों की कतार दोस्तों, ड्यू सॉफ्ट बालों की कतार। निकलो मार्केट में, करके दिखाओ लोगों को, हम इतने प्लान करके दिखाएंगे, हम इतने प्लान करके दिखाएंगे, हम इतने प्लान करके दिखाएंगे, हम इतने प्लान करके दिखाएंगे कि इंसान इंसान तो छोड़ो, अपने घर के कुत्तों की भी एंट्री डाल के जाएंगे दोस्तों, हम मार्केट में इतने प्लान करके दिखाएंगे। बस उतनी ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, और अगर उतनी ताकत करने का जज्बा है, जोश है, जुनून है, तो अगला नंबर आपका है। थैंक यू फॉर द गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, रिस्पेक्टेड ऋषि सहदेव सर, अनुराग अवस्थी सर, द हैंडसम मैन ऑफ ड्यू सॉफ्ट, मिस्टर कैलाश भाटी, गौरव सर, हिदायत अली, संजीव सर, हितेश प्रजापति सर, मैं बड़ा इंस्पायर हूँ आप लोगों से, आरती मैडम, मोहित श्रीवास्तव, द बिगेस्ट मोटिवेशन इन अवर लाइफ, मेरा परिवार, आप सारे लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जो नए लोग आए हुए हैं वो स्टार्टअप करिए, बस याद रखना आज के बाद भगवान के पास जाके अर्जी नहीं लगेगी। होता है ना कि आप भगवान के पास जाते हो और अर्जी लगाते हो, भगवान प्लीज एक मौका तो दे दे, भगवान आज वो मौका आपको मिल गया है, आपकी झोली में डाल दिया है, आप चाहो तो इस मौके को पकड़ो और लगाओ चौका, या तो समझ लो मेरी जिंदगी तो हो गई है धोखा धोखा धोखा। अब आप ये देख लो, या तो मौके को पकड़ो और लगाओ चौका और बनो करोड़पति, बनो आगे बढ़ो, जीवन में बेहतर इस्तेमाल करो। बस आज जाने के बाद अपने मम्मी पापा की आंखों में आंखें डाल के जरूर देखना कि व्हाट यू वांट, आप मुझसे क्या चाहते, पूछना जरूर। और अगर उनकी आंखों में आंसू आ जाए, या अगर वो बताने की बेटा चाहते तो बहुत कुछ थे लेकिन तुम निखट्टा निखट्टू नाकारा ऐसे निकल गए, तो जीवन में ये बात समझ लेना कि साला पैदा होने का कोई मतलब ही नहीं, इंसान हुए हो, इंसानों की तरह काम करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। थैंक्स टू ऑल, आप लोगों ने इतना प्यारा प्यारा समय दिया, आपके चमकते हुए चेहरे, खिलखिलाते हुए चेहरों ने दिल को गार्डन गार्डन कर दिया। अंत में बस इतना ही बोलना चाहूंगा, इंसान हूं, इंसानियत से प्यार करता हूं, हर नजर का खुशनुमा दीदार करता हूं, इंसान हूं, इंसानियत से प्यार करता हूं, हर नजर का खुशनुमा दीदार करता हूं, मुझे फख्र है मेरे दोस्तों, प्राउड टू बी अ ड्यू सॉफ्ट केयर, मुझे फख्र है मेरे दोस्तों, मैं आप जैसे प्यारे प्यारे लोगों के साथ मिलकर इस इंडिया के अंदर ख्वाबों का व्यापार करता हूं दोस्तों, ख्वाबों का व्यापार करता हूं। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू, जय ड्यू सॉफ्ट, जय अपलाइन, थैंक यू वेरी मच।